हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि आज की जो वैकेंसी आ रखी है वो आ रखी है यहाँ पे टाटा ग्रुप की तरफ से। ये बम्पर भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर 1328 के करीब यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल जाती है। और ये सारी वैकेंसी यहाँ पे फ्रेशर के लिए निकाली गई है, इसमें यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा। और यूट्यूब पे सबसे पहले अपडेट दे रहा हूँ, इसके बाद पे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, हमारा मोटिवेशन बना रहता है जब भी आप वीडियो को लाइक करते हो। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी पोजीशन देखने को मिलेगी, सैलरी आपका क्या रहेगा, जॉब लोकेशन आपका क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो के अंदर बता देता हूँ। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले तो ये वैकेंसी फ्रेशर के लिए निकाली गई है। यहाँ पे आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप एलिजिबल रहेंगे इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ बात की जाए यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, देखिए अगर आप सिंपल 12th पास है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए टेक्नीशियन का पोजीशन देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 12th के बाद आपने कुछ भी कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी एलिजिबल है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी एलिजिबल है, जैसे कि आपने बीए बीकॉम बीएससी कर रखा है, बीबीटेक कर रखा है, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमईएमटेक कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक रुपये भी यहाँ पे आपको पे नहीं करना, क्योंकि ये फॉर्म आपका फ्री का रहेगा, तो हर बच्चा इसको अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात की जाए तो डायरेक्टली आपका इंटरव्यू रहेगा और इंटरव्यू के बेस पे ही आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अप्लाई का पूरा प्रोसेस मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा, वीडियो को बस आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है बिना स्किप किए। साथ ही साथ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, हमारा मोटिवेशन भी बना रहता है। और इस वीडियो के जो लाइक का हम टारगेट रख रहे हैं वो 1200 प्लस आपको लाइक करवाने, अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर देना ताकि वो सभी लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सके। और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन कमेंट करके बता दीजिएगा कि एग्जैक्टली आपने कर क्या रखा है और अभी आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के कमेंट में पढ़ता रहता हूँ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी वही जॉब अपडेट दूंगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, और जब तक आप कमेंट करोगे नहीं तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, इसीलिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो घंटी वाला आइकन है उसको दबा दे ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और आपका भाई इस चैनल पे इंजीनियरिंग जॉब अपडेट लाता रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसी, एमसीए, जिन लोगों ने भी किया है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आप मार्केट की सिचुएशन को देखोगे तो सभी टेक कंपनी फायर कर रही है या ले ऑफ चल रहा है, लेकिन जो अनअकैडमी में कोर इंजीनियरिंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट की टीम है वो इन इंजीनियर्स को हेल्प कर रही है, या फिर जिन्होंने बीसी, एमसी या फिर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हैं उन्हें हेल्प कर रही है प्लेसमेंट करवाने में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1700 प्लस कंपनी के साथ इनके टाई अप हैं जो हायर कर रही है, और 1500 प्लस कैंडिडेट जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं और लगातार यहाँ पे इंटरव्यू एंड प्लेसमेंट चल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं और 100% आप इंटरव्यू यहाँ पे क्रैक भी कर सकते हैं और अगली सक्सेस स्टोरी यहाँ पे ला सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये 5 लोग हैं जो कि टॉप कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं, और ऐसे ही 1500 प्लस कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करिए, अपनी डिटेल भरिए, बी द नेक्स्ट वन टू क्रैक इट। चलिए अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है उस प्रोसेस के बारे में। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट की तरफ, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रखा है। तो जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एयर इंडिया का ऑफिशियली वेबसाइट ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आप सभी को पता है कि एयर इंडिया टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा करंट ओपनिंग का, आपको उसी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे आपके सामने जितनी भी करंट ओपनिंग है जो कि यहाँ पे एयर इंडिया में अभी वैकेंसी निकाली गई है, सारी की सारी आपको वैकेंसी शो हो जाएगी जो कि आप नीचे देख पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप पायलट का हायरिंग चल रहा है, केबिन क्रू, सर्विस ट्रेनर का हायरिंग चल रहा है,
कैबिन क्रू फीमेल का हायरिंग चल रहा है और भी बहुत सारी वैकेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सीनियर ट्रेनी का हायरिंग यहाँ पे चल रहा है जिसमें फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। कैबिन क्रू फीमेल और मेल का हायरिंग चल रहा है, इसमें भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। सैप ट्रेनर का हायरिंग चल रहा है और भी बहुत सारी वैकेंसी है जो कि आप यहाँ पे नीचे देख पाएंगे। इन सारी वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक रुपये भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म रहेगा। मोर देन वन वैकेंसी के लिए आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम सारी वैकेंसी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको अप्लाई करने का एग्जैक्टली तरीका बताऊंगा। तो यहाँ पे बात की जाए पहली वैकेंसी के बारे में, ये वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पे हायरिंग चल रहा है कैबिन क्रू का, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। किसी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। यहाँ पे जॉब ओवरव्यू के बारे में बता रखा है कि आपका काम क्या रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात की जाए, अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना ज़रूरी है, पैन कार्ड और आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तब यहाँ पे ये सारी चीज़ आपको चाहिएगी। साथ ही साथ यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पे जो आपकी एज क्राइटेरिया रहेगा, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका एज क्राइटेरिया 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होना चाहिए। एंड यहाँ पे अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो आप अगर 35 ईयर के भी हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, यहाँ पे बहुत ही मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा है। जैसे कि अगर आप 12वीं पास हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं आपने किसी भी सब्जेक्ट में कर रखा है, कॉमर्स से कर रखा है, आर्ट्स से कर रखा है, या फिर अगर आपने साइंस से कर रखा है, आप एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। 50% का क्राइटेरिया आपका 12th में कंप्लीट होना चाहिए, या फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल है। जैसे कि आपने डिप्लोमा मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल है, या फिर अगर आपने BBTech कर रखा है तो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। BA BCom BSc कर रखा है तो भी एलिजिबल है, इसको अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा BBTech किया है इसको अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बात की जाए फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे रखा गया है, जिसको ध्यानपूर्वक समझना। देखिए यहाँ पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, वहीं अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 172 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपका इंग्लिश के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना चाहिए, हिंदी में कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया होना चाहिए। आपका जो आई विज़न है 6x6 का यहाँ पे होना चाहिए, टैटू नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन कर दिए। एंड यहाँ पे बात की जाए कौन कौन से स्किल यहाँ पे रिक्वायर्ड है, उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा वो भी यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, बेसिकली यहाँ पे आप इसको अच्छे से चेकआउट कर पाएंगे। एंड यहाँ पे ऊपर अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर सकते हैं, तरीका मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं पहले नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में, उसके बाद अप्लाई का प्रोसेस जानेंगे। ये वैकेंसी निकाली गई, यहाँ पे टेक्निकल पोजीशन आपको देखने को मिलेगा, गुरुग्राम आपका लोकेशन रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जॉब ओवरव्यू के बारे में दे रखा है, आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। एंड यहाँ पे आपका जो पोजीशन रहेगा, ये सारी पोजीशन आपको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपका ऑटोमेशन इंजीनियर का पोजीशन देखने को मिलेगा, क्लाउड इंजीनियरिंग का पोजीशन देखने को मिल जाता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट का वैकेंसी रहेगा, इंटीग्रेशन आर्किटेक्ट का वैकेंसी रहेगा, डाटा साइंटिस्ट का वैकेंसी रहेगा, सैफ इको का वैकेंसी रहेगा, और भी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सिक्योरिटी का, प्रोग्रामर का। इसमें यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए वैकेंसी देखने को मिल जाती है। अगर आपको इन फील्ड में एक्सपीरियंस है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का बटन है नीचे, इस पर क्लिक करके आप इसको अप्लाई भी कर पाएंगे। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपको देखने को मिलेगा, ये आपका रहेगा वॉक इन ड्राइव चल रहा है यहाँ पे, जो कि रहेगा कोची लोकेशन के लिए। इसमें आप देख सकते हैं जॉब ओवरव्यू के बारे में बता रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे, ये सारा यहाँ पे आपका रहने वाला है। यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 साल का मांगा है, अगर आपने BBTech कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, नीचे अप्लाई का बटन मिल जाता है। नेक्स्ट वैकेंसी जो आपका रहेगा, यहाँ पे एविएशन सिक्योरिटी स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाला गया है, मेल फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पैन इंडिया जॉब लोकेशन आपकी यहाँ पे रहेगी, ग्रेजुएशन कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपका बढ़िया होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे रखी है। ये सारी जॉब लोकेशन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे अप्लाई का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर देना है। मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा यहाँ पे कैबिन क्रू फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट के लिए,
तो आपको इस अप्लाई वाले बटन पे करना है क्लिक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये टैब ओपन हो जाएगा जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो टॉप पे आपको शो हो जाएगी। जैसे कि आप अभी अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे कैबिन क्रू के लिए, मेल फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। देन फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टार मार्क दे रखा है जहाँ पे, उसको आपको मैंडेटरी रहेगा, उसको फिल करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको नेम को फिल कर देना है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उसको फिल कर देना है। नीचे यहाँ पे योर आंसर की जगह खाली जगह है, इस पर आप फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी को डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका जेंडर क्या है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी एज क्या है उसको डाल सकते हैं, हाइट क्या है उसको डाल सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास पासपोर्ट है कि नहीं है उसको आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट इशू डेट क्या है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आता है पासपोर्ट नंबर क्या है, नेशनलिटी क्या है, करंट एम्प्लॉयर है कि नहीं है तो उसको डाल सकते हैं। अगर आप कहीं नहीं काम करते तो आप यहाँ पे NA फिल कर दीजिएगा। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में बारे में बात की जाए, 10th कर रखा है, 12th कर रखा है, डिप्लोमा किया है, या फिर अगर आपने BBTech किया है, ग्रेजुएशन किया है, BBCom BSc कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा। देन फिर आता है यहाँ पे अपलोड रिज्यूम का ऑप्शन। यहाँ पे आपको रिज्यूम कैसे अपलोड करना है, दिक्कत यहीं पे आपको आने वाली है। यहाँ पे आपको रिज्यूम अपलोड करना है डॉक्स की फॉर्मेट के अंदर, PDF की फॉर्मेट में तो भी आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपको यहाँ पे डॉक्स की फॉर्मेट में रिज्यूम को अपलोड करना है। अगर आपका PDF की फॉर्मेट में तो आप यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, PDF कन्वर्ट टू डॉक्स के अंदर। वहाँ पे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, अपने रिज्यूम को कन्वर्ट करेंगे PDF टू डॉक्स के अंदर, उसके बाद यहाँ पे अपलोड करेंगे। फाइनली सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा उन लोगों तक जिनको जॉब की नीड है, एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना कि आप कौन सी जॉब सर्च कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वही जॉब अपडेट देने की कोशिश करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।